टेंथ क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। टेंथ क्लास का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन या हम कहें बेसिक वीडियो बनाना आवश्यक होती है किसी भी विषय के लिए। यानी टेंथ का मैथ आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले से अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम शुरुआत थोड़े से करेंगे। HCF, LCM और गुणनखंड। HCF, LCM और गुणनखंड पूरे दसवीं के गणित के अंदर हमें काम आएंगे, तो इनको आपको निकालना आना चाहिए। पहले देखते हैं HCF। HCF की फुल फॉर्म की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। इसको किन्हीं भी दो या तीन नंबर्स का या ज़्यादा नंबर्स का HCF निकालना हो तो कई विधि हैं, उनमें से एक दो विधियां हम देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिए दो नंबर 5 और 15 और पूछा है कि HCF बताएं, तो 5 और 15 का HCF ज्ञात करने की कई विधियां हैं। पहली विधि क्या है कि हम 5 और 15 का कॉमन फैक्टर ढूंढ लें और सबसे बड़ा बता दें। 5 के फैक्टर क्या होंगे, कौन कौन सी संख्याएं 5 की टेबल में आती हैं। 1, 1 × 5 और 5 × 5, यानी 1 और 5 दोनों 5 को भाग करती हैं पूरा पूरा। 15 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं, 1, 3, 5, 15। तो ये 15 के फैक्टर हो गए और ये 5 के फैक्टर, तो हमने फैक्टर कर लिए। कॉमन कौन से हैं जो दोनों में हो, 1 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो 1 और 5 दो फैक्टर हैं कॉमन, लेकिन हमें बताना है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है, 5। तो 5 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, 5। तो एक तो ये तरीका है, आसान तरीका, जो कि हम सीधे फैक्टर पता लगाकर निकाल लेते हैं। एक तरीका और है, गुणनखंड विधि कहते हैं हम जिसे। 5 के हमने भाग किए, 5 × 5, 15 का भाग किया, 5 के फैक्टर क्या आए हैं, 5 × 1, 15 के आए हैं 3 × 5, कॉमन कौन सा है, 5। तो HCF कितना आएगा, 5। ये दूसरा तरीका है। एक तरीका और है जिसे कि हम भाग विधि कहते हैं। पाँच से 15 को हम भाग कर देंगे, 5 × 15, तो पूरा पूरा भाग हो गया, तो HCF क्या आएगा, 5। तो किसी भी विधि से आप करें HCF 5 ही आएगा। तो इस तरह हम HCF निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली 1.1 के अंदर जो ये विधि है वो काम में आएगी, जिसे कि हम यूक्लिड विभाजन विधि बोलेंगे। तो इसको तब हम डिटेल में पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन विधि से किस तरह हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप HCF समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार 3 नंबर लेते हैं, 12, 16 और 24। इन 3 का हमें HCF निकालना है। पहली विधि हमारी वही रहेगी, तीनों के हम फैक्टर निकालते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 किस किस से भाग होता है, 1 से,
दो से, तीन से, चार से, छः से और 12 से। 16 किस किस से भाग होता है? 1, 2, 4, 8 और 16। 24 किस किस से भाग होता है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो तीनों के हमने फैक्टर हैं वो लिख लिए हैं। अब हमें कॉमन ढूंढने हैं, कौन सा है कॉमन? 1 सभी में है, 2 सभी में है और 4 भी आप देख रहे हैं सभी में, इसके अतिरिक्त और कोई तीनों में नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो तीन आ गए कॉमन, 1, 2 और 4, लेकिन हमें क्या चाहिए? महत्तम, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है? 4। तो 12, 16 और 24 का HCF 4 हो जाएगा। तो एक तो हमारी ये विधि है, पहली सिंपल विधि है, या इसको हम और आसान करें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को भाग करती है और सबसे बड़ी हो जो? तो तीनों को भाग कर रही 1, 2 और 4। 4 सबसे बड़ा है जो इन तीनों को भाग कर लेता है, तो HCF क्या हो जाएगा? 4। तो एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि देखते हैं, उसके अंदर हम इस तरह गुणनखंड करते हैं। फिर 16 गए, 2 से अगर एक जाएगा 8, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 24 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 12, 6, 3, 3, 1। तो तीनों के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। 12 के गुणनखंड क्या थे? 2 × 2 × 3। 16 के क्या थे? 2 की पावर 4। 24 के 24 के जो तीनों में है वो हम ढूंढ लेते हैं, यानी जोड़े बनाने हैं। तो ये जोड़ा बना है 2 का, एक ये बन गया 2 का, उसके बाद कोई जोड़ा नहीं बन रहा, यानी 2 × 2, 2 जोड़े बने हैं, तो 2 × 2 = 4 HCF हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से HCF 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग कर दे। तो HCF टॉपिक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम LCM देखते हैं। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में मल्टीपल का मतलब गुणज, कॉमन सांझा और लीस्ट हो जाएगा सबसे छोटा, या लघु समापवर्तक, ये इसके नाम हैं। मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि गुणज हो, गुणज यानी गुणा में आते हैं जो, और जो गुणा में आते हैं उनमें क्या हो? सबसे छोटा। तो आपसे पूछे कि 4, 6 और 12 का LCM बताओ, तो आपको गुणज पता होने चाहिए, या 4 का पहाड़ा लिख दें, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह, 6 का पहाड़ा,
फिर 12 का पहाड़ा, पहाड़े आने चाहिए कहने का मतलब। तो हमने गुणज लिख दिए, मल्टीपल लिख दिए सभी। कॉमन, कॉमन ढूंढो, 12 तीनों में आ रहा है, 24 तीनों में है, फिर 36 तीनों में आएगा, 48 आएगा। अनगिनत होते हैं गुणज, कॉमन होते हैं जो, लेकिन हमें चाहिए लघु, सबसे छोटा, लीस्ट। तो एक तो 24 आया है और एक 12, छोटा क्या है 12। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। यानी ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी है, यानी जो सबसे पहले आ जाती है, तो 12 12 के पहाड़े में आती है, 6 के पहाड़े में आती है, 4 के पहाड़े में आती है, तीनों के पहाड़े में आ रही है, 24 भी आती है, 36 भी आएगी, सबसे छोटा क्या आता है, 12। तो एक तो ये विधि होती है डायरेक्ट, जब हम भिन्न जोड़ते हैं, जैसे 1/4, 1/8, 1/6 और 1/12, इनको जोड़ेंगे जब, तो हमें नीचे वालों का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकालने के लिए अब हम जानते हैं कि कौन सी संख्या तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आ रही है, तो 12 आ रही है। हम सीधा लिख के एलसीएम निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ये तरीका हमें पता है तो। एक तो ये विधि होती है इसकी डायरेक्ट विधि। एक दो विधियाँ और हैं, और देखते हैं। पाँच, दस, पंद्रह का एलसीएम बताएं, तो हम गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। दो से पाँच ये दस, पाँच एकम पाँच, पंद्रह से तीन पे जाएगा, तीन पाँच ये पंद्रह, पाँच एकम पाँच। तो तीनों के गुणनखंड कर लिए, पाँच के क्या थे, पाँच गुणा में एक लगा देते हैं, दस, दो गुणा पाँच, पंद्रह के तीन गुणा पाँच गुणा एक। तो कॉमन क्या है, पाँच आप देख रहे हैं तीनों में आ रहे हैं, टिक तो हो गया पाँच, और जो बच गए वे सभी हम ले लेंगे, या जो सबसे बड़ी पावर है वो हम ले लेते हैं। दो कितनी बार है, एक बार, तीन भी एक बार, तो पाँच गुना दस गुना तीस, तो पाँच दस पंद्रह का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। तो यानी जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो पावर है दो की पावर, यानी एक बार है दो यहाँ, तो एक बार लिखेंगे। यदि यहाँ पर दो गुना दो होता तब दो लिख लेते, फिर तीन ले लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एक ये विधि है। एक विधि और होती है जो कि आसान होती है सबसे, ज़्यादातर बच्चे इसी से करते हैं, जब बड़े नंबर हों तीनों को एक साथ भाग दे देते हैं। सबसे पहले दो से भाग हो रहा है दस, पाँच होता नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, दस हो रहा है तो दो पाँच दस, पंद्रह नहीं होता ऐसे ही छोड़ दें। अब पंद्रह तीन से हो रहा है, पाँच, पाँच पंद्रह कितने में जाएगा, पाँच पे। अब पाँच से हो जाएगा एक एक एक, जब तक एक ना आ जाए इसको छोड़ेंगे नहीं, तो तीनों की गुणा कर देंगे, दो तीन छः पाँच तीस, तो एलसीएम 30 ही आएगा। ये अलग विधि है, तीसरी विधि है। एक विधि ये थी और एक डायरेक्ट विधि होती है, ज़्यादातर बच्चे इससे करते हैं, और यदि संख्याएं बड़ी होती हैं तब इसको काम में लेते हैं, छोटी संख्याएं हों तो हम सीधा ही कर लेते हैं। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड
वेदी। तो एलसीएम भी आप उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज़ और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दसवीं के मैथ के लिहाज से, गुणनखंड। यहाँ गुणनखंड, ये भी हमने गुणनखंड किए हैं, लेकिन ये गुणनखंड हम अलग टर्म में इस्तेमाल करेंगे, जो कि ए बी सी डी वाले होते हैं, एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जिनमें। एक्स स्क्वेयर माइनस एक बराबर जीरो, ये हमें एक समीकरण दी है। तब यहाँ x का मान हम क्या रखें कि जब हम उसकी स्क्वेयर करें और एक घटाएं तब जीरो उत्तर आए। तो एक तो है कि हम यहाँ पे संख्याएं रख रख के देख लें, पहले एक रखें, एक का स्क्वेयर एक, एक माइनस एक बराबर जीरो, यानी x का मान एक आ गया। दो रखें, दो का स्क्वेयर चार, चार में से एक घटाएं, जीरो नहीं आता तो वो गलत हो गया। तो ये तो हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, यानी हम बारी बारी से रख के देख लेते हैं। ये तरीका ज़्यादा कामयाब नहीं होता। तो एक और तरीका है कि इस माइनस एक को उधर ले जाओ, वो क्या हो जाएगा, प्लस का एक। अब इस स्क्वेयर को उधर ले जाओ, उधर जाके क्या बनेगी, अनरूट। तो अनरूट एक का मान क्या होता है, एक और माइनस एक। जब भी अनरूट से हम संख्याएं बाहर निकालते हैं तो हमेशा एक प्लस की आती है, एक माइनस की आती है। जैसे अनरूट चार का मान माइनस दो प्लस दो, अनरूट नौ का मान माइनस तीन प्लस तीन, इस तरह। तो एक्स का मान क्या आ गया, एक और माइनस एक, यानी इस समीकरण के ये दो क्या हैं, मूल हैं, गुणनखंड हैं, हल हैं, किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। अब ये तो था सीधा कि यहाँ पे दो ही टर्म थी, एक तो एक्स स्क्वेयर और एक। यदि इसी को हम इस तरह लिख देते या एक नई इक्वेशन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो, ये इक्वेशन दी है। तो इसके हमें मूल याद करने, इसकी दो विधियां हैं। एक तो सूत्र होता है जिसे कि हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, वो हम प्रश्नावली 4.2 के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर डिटेल में है, तो उसको यहाँ हम नहीं लेंगे। एक और तरीका है, यानी जो बीच की टर्म है माइनस तीन एक्स, इसको हम उठाकर अलग लिख लेते हैं, अलग हमने लिख ली। अब इस माइनस तीन एक्स के हमें टुकड़े करने हैं, यानी इसकी जगह कुछ ऐसा लिखना है कि उन टुकड़ों को यदि हम वापस जोड़ें तो यही बन जाए। यानी माइनस तीन एक्स की जगह लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ लिखेंगे कि उनको जोड़ने पर वापस तीन एक्स ही रहे, कम ज़्यादा होते ही ये इक्वेशन क्या है, संतुलित नहीं रह जाएगी और हमारी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, फिर मूल निकलेंगे वो भी गलत होंगे। तो तीन एक्स के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ें तो वापस तीन एक्स बन जाए, गुना करें तो इन दोनों की गुना के इक्वल हो, यानी तीन एक्स के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर तो तीन एक्स बने माइनस का, गुणा करने पर क्या बने, दो एक्स स्क्वेयर। तो माइनस तीन एक्स के अनगिनत टुकड़े हो सकते हैं, असंख्य टुकड़े, इनफाइनाइट फैक्टर हो सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का चार एक्स प्लस का एक एक्स, दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा, माइनस का तीन एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का पाँच एक्स प्लस का दो एक्स, जोड़े तो क्या बनेगा, माइनस का तीन एक्स।
लेकिन जो दूसरी चीज़ हमें साथ साथ ध्यान रखनी है कि इन दोनों टुकड़ों की गुणा क्या होनी चाहिए, 2x2। इन दोनों टुकड़ों की गुणा क्या होनी चाहिए, 2x2। तो इन दोनों के अंदर नहीं हो रहा, तो कुछ और ट्राई करते हैं। -3x को यदि लिखें, माइनस का 1x और माइनस का ही 2x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3x। प्लस माइनस को जोड़ना भी आपको आना चाहिए, तो माइनस का x और माइनस का 2x क्या हो जाएंगे, माइनस के 3x। और जब दोनों टुकड़ों की गुणा होगी तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2x और x 2x2। यानी ये टुकड़ा हमारा सही है, तो x2 इस -3x की जगह ये हम लिख लेंगे, माइनस एक्स माइनस का 2x, प्लस में 2 पड़ा है, इसको पड़ा रहने देंगे। अब इन दो में कॉमन देखते हैं, इन दो में कॉमन देखते हैं क्या होता है, x दोनों में है, यानी यहाँ क्या है, x गुणा x है और यहाँ x है, तो x मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, x का स्क्वायर था, यानी 2 बार x था, तो एक तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक x माइनस, यहाँ क्या है x, साथ में इसके क्या है, गुणा में एक, सभी के होता ही है, तो पूरा x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक माइनस 2x और 2, तो 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस 2, तो पूरा ही बाहर आ गया, x बचेगा ओनली। अब यहाँ जो निशान माइनस हो तो ये अंदर वाली जो निशान है वो चेंज हो जाती है, इसको भी हम, इसको ध्यान में रखना। यदि यहाँ प्लस होता तो फिर वो निशान सीधा आ जाता, जो भी होता। अब यहाँ माइनस है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 तो पूरा ही बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1। अब यहाँ हम रुक के एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं कि x की x के साथ गुणा की, x2, x की माइनस 1 के साथ माइनस 1x, माइनस 2 की x के साथ गुणा माइनस 2x, माइनस 2 की माइनस के 1 के साथ गुणा प्लस 2, तो इसका मतलब सही है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये दोनों टुकड़े क्या होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें से एक टुकड़ा हमें ले लेना है बाहर, एक टुकड़ा यहाँ से बनाना है, तो एक तो बनेगा x और माइनस का 2 = 0। तो ये 2 गुणनखंड हो गए, इन दोनों गुणनखंड की गुणा यही होती है, आप करके देख लेना। अब बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 = 0, और इसको भी लिख लेंगे x माइनस 2 = 0। माइनस का 1 इधर आके क्या होगा, प्लस का, माइनस का 2 उधर आके क्या होगा, प्लस का, तो x बराबर 1 और x बराबर 2, ये 2 क्या हैं, गुणनखंड हैं इस समीकरण के। तो ये इस तरह गुणनखंड करने आपको आने चाहिए, कई चैप्टर के अंदर इसका इस्तेमाल होगा, पूरे मैथ के दौरान, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, अनेक चैप्टर हैं जिनके अंदर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जो बड़े बड़े सवाल होंगे 5 नंबर के, 4 नंबर के, उनमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, जब हम उसको हल करेंगे तो अंत में हम इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कोई, फिर उसको हल करने पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको गुणनखंड की आपने प्रैक्टिस करनी है, हम 8th 9th क्लास में इनको करके भी आए हैं, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज हमने कर लिया। तो ये 10th के मैथ की जो कुछ एक बेसिक चीज़ें थी, HCF, LCM और गुणनखंड, कुछ एक और भी हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर करेंगे। तो पहले 5 चैप्टर हैं जो पहले सेमेस्टर के, वो इन तीनों के अंदर कवर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त नंबर सिस्टम को भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रश्नावली 1.1 है उसे शुरू करेंगे। धन्यवाद।